नमस्कार दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि देश भर में 1 मई से कोरोना टीकाकरण का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। अब तक 45 साल से ऊपर के लोग ही टीका लगवा सकते थे, लेकिन अब 1 मई से 18 साल से 44 साल तक के लोग भी कोरोना का टीका लगवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि लोगों को वॉक इन यानी सीधा टीका केंद्रों पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने और टीका लगवाने की सुविधा नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करना होगा, यही बताएंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि आपको वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझाएं, आपको एक बार याद दिला दें कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल बोले इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टीका लेने के लिए आपको अपना नाम रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या करना होगा। कोरोना का टीका लगवाने के लिए अब 18 से 44 साल के लोग आज से कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को ही मान्यता प्राप्त होगी। अगर रजिस्ट्रेशन आपने अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लें और अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लें। और अगर कंप्यूटर या लैपटॉप से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फिर आप www.covin.gov.in के वेबसाइट पर जाकर आपको अपना नाम पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मोबाइल हो या कंप्यूटर, रजिस्ट्रेशन का तरीका एक ही है। सबसे पहले ऐप या वेबसाइट पर जाकर आपको अपना मोबाइल नंबर फीड करनी होगी। मोबाइल नंबर फीड करने के बाद आपको उसी मोबाइल नंबर पर एक SMS भेजा जाएगा, एक OTP भेजा जाएगा। इस OTP को वेरीफाई करवाना ज़रूरी होगा। OTP वेरीफाई कराने के बाद आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पेज तक पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको फ़ोटो ID प्रूफ की जानकारी डालनी होगी। फ़ोटो ID प्रूफ के तौर पर आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर पेंशन की पासबुक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ID प्रूफ का नंबर, अपना नाम, जेंडर और बर्थ ईयर डालनी होगी। सारी जानकारी भरने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने पसंद का वैक्सीनेशन सेंटर चुन सकते हैं। यहां आपको वैक्सीनेशन डेट और टाइमिंग की जानकारी मिल जाएगी। इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप टीका लगवाने जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।